हमारे साथ इस वक्त हैं नवीन चौधरी, लेखक हैं और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं। उनकी हाल ही में एक बहुत ही चर्चित किताब रही है जनता स्टोर। तो बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है lalluram.com में और रायपुर छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद नवीन जी। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं जैसे कि पता चला है, फिर आप ये लेखक भी बन गए और आजकल आपकी चर्चा, लेखन की चर्चा आपकी ज़्यादा है, ऐसा सहयोग कैसे बना? लिखने का शौक कुछ समय पहले, करीब 8-10 साल पहले, जब थोड़ा थोड़ा वन लाइनर से शुरू किया था, व्यंग्य से वो शुरुआत एक हुई, और उसके बाद राजनीतिक सटायर मैंने काफ़ी लिखे, धीरे धीरे उनको बढ़ाया, आर्टिकल लिखने शुरू किए, कई न्यूज़ वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। वहाँ से एक डेवलप होना शुरू हुआ, मुझे लगा कि छात्र राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर नहीं लिखा गया है, तो ये करते करते एक विचार बना कि क्यों ना उपन्यास लिखा जाए। तो वो विचार पकते पकते फाइनली पिछले साल दिसंबर 2018 में आया है। तो लिखना आप ये कह सकते हैं मेरा शौक है, लेकिन रोजी रोटी के लिए मार्केटिंग का काम है। तो आप खुद भी क्या छात्र राजनीति में रहे हैं क्या? कि जी हाँ, मैं सक्रिय रहा हूँ, मैं 4-5 साल सक्रिय रहा, कई आंदोलनों का हिस्सा बना, कई आंदोलनों को आगे से लीड किया, मतलब पुलिस के डंडे भी खाए, वो सारी चीज़ें जो होती है मैंने की, तो इसकी वजह से एक तरह से देखा हुआ था मेरे लिए, और कई चीज़ों को इतने नज़दीक से देखा है जो कि दिखता नहीं है, आमतौर पर आपको बाहर से नहीं दिखेगा। तो मुझे लगा कि क्या इसको एक नए तरीके से दिखाया जा सकता है एंटरटेनमेंट के रूप में, और उन चीज़ों को दिखाएं जो कि आम जनता कई बार देख नहीं पाती। नॉर्मली ये लगता है कि लड़के हैं खड़े हो गए चुनाव लड़ लिया, कुछ हो लड़बाजी कर दी, लेकिन क्या उसके पीछे भी उतनी ही राजनीति होती है जितनी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए होती है? तो वैसा ही काफ़ी खेल यहाँ भी होता है, तो मुझे लगा उसको दिखाया जाना चाहिए। तो जनता स्टोर में वही सारी चीज़ें हैं जो कि छात्र राजनीति में जैसे दिखाई देती है, क्या उनमें कुछ तथ्यात्मक बातें भी है क्या, कुछ सच्चाइयाँ भी है क्या उस जनता स्टोर में? देखिए उपन्यास है तो आप उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं को तो वास्तविक से उठाया ही जाता है, और अगर आप उसको तथ्य ना भी लें तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो कि हमारे इर्द गिर्द कभी घटित नहीं होती है। जैसे उपन्यास में एक लड़की के साथ बॉयज़ हॉस्टल में रेप हुआ, तो एक कहानी का हिस्सा है वो। अब उसके बाद उस केस में अपराधियों को बचाने के लिए जो जो दांव पेंच हुए वो हमने कहीं ना कहीं देखे ही हैं, या कोई आत्मदाह से हो गया, या चुनाव लड़ने के लिए लोग एक दूसरे के लोगों को जो तोड़ते हैं, भीतरघात होता है, तो वो चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो तथ्यात्मक ना भी अगर कहें कि हम कहें कि नहीं पूरा फिक्शन बनाया, तो भी वो सारा तथ्य कहीं ना कहीं है जो हमारे इर्द गिर्द होता है। तो इसमें जाहिर तौर पर बहुत सारे जो है विषय होंगे जिसको आपने छुआ होगा, इसमें कटाक्ष भी होगा कई ऐसी चीज़ों पर जहाँ से लगता है कि चीज़ें सही नहीं गई, मीडिया पे भी कोई कटाक्ष है क्या? मीडिया का भी उसमें एक पूरा रोल, उसके अंदर कटाक्ष नहीं कहूँगा लेकिन मीडिया का जो रोल है, कई बार किसी को ऊपर उठाने में किस तरह से रोल होता है वो इसके अंदर दिखाया गया है। जो हमारा मुख्य पात्र है उसके बड़ा भाई जर्नलिस्ट है, तो उस जर्नलिस्ट होने से, वो खुद तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन उनके जर्नलिस्ट होने से जो कई जगह पर उसको फ़ायदा मिला है, वो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके अंदर। अच्छा, अभी इसके अलावा आगे क्या लिख रहे हैं नवीन? को क्या लग रहा है कि मौजूदा दौर में इस विषय को छूना चाहिए? अगला भी मेरा राजनीति पर ही चल रहा है, और अभी ये चूँकि यूनिवर्सिटी से शुरू किया था, अगला मेरा विचार है कि मैं इसको राज्य की राजनीति पर लेके जाऊँ। तो राज्य की राजनीति में भी अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सिर्फ इसलिए दफन हो जाते हैं क्योंकि राजनीति उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है। तो अगला भी कहीं ना कहीं एक महिला के मुद्दे से ही जुड़ा हुआ है, और उसको लेके पूरी राजनीतिकरण किस तरह से होता है ये उसका हिस्सा है। वैसे आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त ऐसे कौन से विषय है जिस पे कि गंभीरता से बातचीत नहीं हो रही है, या बातचीत भी हो रही है तो उसका कोई सार्थक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है? इन विषयों पे लेखकों को बातचीत करनी चाहिए या फिर उस पे ज़्यादा कुछ लिखा जाना चाहिए? मुझे लगता है बातचीत होनी शुरू हो गई है, ऐसे विषय बहुत कम ही रहे होंगे जिन पे कि अब नहीं हो रहा है। बड़े अगर आप मुद्दे देखें, जाति का मुद्दा, तो वो कहीं ना कहीं दलित विमर्श के अंदर आता है, स्त्रियों के अधिकार की बात हुई तो इसमें आता है, या गांव और शहरीकरण के बीच में जो फ़र्क आ रहा है लोगों के अंदर, वो चीज़ें भी उपन्यास के अंदर या कहानियों में आ रही हैं। मुझे जब लग रहा था, मुझे उस समय लगा कि छात्र राजनीति पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि छात्र राजनीति पे मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक काशीनाथ सिंह जी का अपना मोर्चा थी, उसने छात्र राजनीति के अलग तरीके से दिखाया था, उसके अलावा उसके ऊपर उस तरह का कोई उपन्यास नहीं जो कि गहराई में जाता हो। तो ये उस समय एक गैप मुझे लग रहा था, और छात्रों की राजनीति को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है कि लड़कों का है, और यही मान लेते हैं कि हुल्लड़बाजी है, लेकिन वहीं से कई राज्यों के मुख्यमंत्री,
कई मंत्री निकल के आए हैं, इवन देश में बड़े अरुण जेटली जो है छात्रा नीति से निकल के आए हैं, तो उस समय मुझे लगता था कि एक मुद्दा है जिसको कि डिस्कस किया जाना चाहिए। अब बाकी मुद्दों की अगर आप बात करें तो मुद्दों में डिटेल में जानने के कई कई सारे आस्पेक्ट्स हैं, तो हर राइटर के पास एक तरीका होता है कि उसको कैसे करे। तो जैसे मैंने अग्नि उपन्यास के लिए कहा, वहाँ भी एक मीडिया का मुद्दा है, अब उसको मैं राजनीतिक एंगल से देख रहा हूँ। सामाजिक एंगल से बहुत बार देखा गया है, राजनीतिक एंगल से मुझे लगता है तुलनात्मक रूप से कम हुआ है, तो वो मेरी इस बार कोशिश है कि मैं उसको चेंज करूँ। तो आपको लग रहा है कि छात्र राजनीति में संघर्ष का दौर खत्म हुआ है या अभी भी स्थिति वैसी है, क्योंकि अब तो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, माध्यम हैं, उसके जरिए छात्र राजनीति अपनी चरम सीमा को भी एक तरीके से पार करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन लग रहा है कि दिशाहीन वाली स्थिति है, उसको दिशा दी जा सकती है? काफ़ी हद तक पहले की तरह नहीं रहा है। पहले जब आपने जब माध्यमों की बात की तो अब ये प्रचार तंत्र ज़्यादा हुआ है। प्रचार तंत्र तो खैर हमेशा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन पहले जो छात्र नेता थे जब जमीन पे काम कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल घिसते हैं, उसके बाद वो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं। अभी बहुत सारे मीडियम्स के जरिए स्टैब्लिश होने लगे हैं। एक जो बहुत ताज़ा वो आया है कि छात्र संगठनों पर, जो भी बड़े छात्र संगठन हैं उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो भी पैसा लेके टिकट देते हैं, जो कि पहले कुछ राजनीतिक दलों पर लगा करते थे। तो ये एक बदलाव बड़ा ही नेगेटिव है, क्योंकि हम अगर हम शुरुआत ही उस चीज़ से कर रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे अभी भी लगता है कि JNU को लेकर देश में बड़े अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव की बात की जाए तो JNU के छात्र संघ चुनाव सबसे बेहतरीन तरीके से होते हैं, जहाँ चर्चा है बाहर विदेशों में कि विदेश से भी लोग उसे देखने आते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे कोशिश होती है कि पैसा कम से कम खर्च हो, पर्यावरण को जितना बचाया जा सके, और सारे कैंडिडेट आमने सामने खड़े होकर एक मुद्दे पर विषय अपना रखते हैं और फिर वो चर्चा होती है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं धन बल और जाति और ये सारा खेल हो जाता है। तो JNU की तरह सभी विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में चुनाव होने चाहिए? मुझे लगता है कि वो तरीका ज़्यादा ठीक है, और कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, छात्रों के बीच में विचार विमर्श की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से जो भी विवाद चलते रहे, क्योंकि छात्र राजनीति, छात्र संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, क्या वो राजनीतिक दल जो है छात्रों को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं अपने मुद्दों के साथ, उसे दिग्भ्रमित करते हैं? ऐसा बहुत सी खबरों में मैंने पढ़ा कि जो हुआ ये दिखता है, छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट दिखाते हैं कि सरकार के प्रति क्या रवैया है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है निजी अनुभव से कि ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्सिटी की राजनीति अपने तरीके से चल रही है, छात्र जो मुख्य पार्टियां हैं जिनके छात्र संगठन हैं उनके सत्ता में होने का एक लाभ ये होता है कि संसाधनों का अभाव नहीं आता उस छात्र संगठन को जिसकी पार्टी सत्ता में है, तो उनको कुछ पुलिस का सहयोग मिल जाता है, बदमाशी करे तो डंडे कम पड़ जाते हैं या चंदा अच्छा मिल जाता है, ये सब तो होता है। लेकिन मेरे ख्याल से विद्यार्थी इस कारण से कम वोट देता है कि स्टेट की राजनीति क्या चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नवीन चौधरी जी से बात कर रहे थे, छात्र राजनीति पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और वो चाहते हैं कि छात्र राजनीति पे वो आगे और लिखते रहे, ताकि जो सही तौर पर एक राजनीतिक पौध तैयार होनी चाहिए, एक पीढ़ी तैयार होनी चाहिए, उसको दिशा मिल सके। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव, लालूराम.com।